नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर आप पूछते रहते हैं दोस्तों कि शबनम के बारे में क्या अपडेट है। तो शबनम से मिलने उसका बेटा अपने केयर टेकर के साथ गया था और उनके बीच में मुलाकात होती है और ये बात निकल के आई कि शबनम मीडिया से बात करना चाहती है। ये बात शबनम कई बार कह चुकी है कि मुझे मीडिया से बात करनी है, लेकिन उसे इस चीज़ की परमिशन नहीं दी जा रही। दूसरा, शबनम ने ये भी कहा है कि इस पूरे मामले को रीओपन किया जाए और सीबीआई की जांच की जाए। इससे पहले भी शबनम कई बार ये डिमांड कर चुकी है कि उसके मैटर को सीबीआई के सामने रखा जाए। अब तीन उसकी डिमांड हो गई हैं। एक तो उसे मीडिया के सामने जाने की अनुमति दी जाए, और दूसरा सीबीआई की जांच, और तीसरा ये पूरा मामला जो है रीओपन किया जाए। और आप लोग बहुत बार ये कहते हैं कि शबनम के बारे में अपडेट दिया जाए, तो शबनम के कुछ कमेंट्स हैं जो उसकी वीडियो पे अक्सर मुझे ये संकेत देते हैं कि जो शबनम को चाहते हैं वो लोग ये चाहते हैं कि शबनम के मैटर को सीबीआई के हवाले किया जाए। अब मैं आपको बताती हूँ कि उसके जो प्रशंसक हैं, जो उसको प्यार करते हैं, हालांकि वो कोर्ट ने उसको गुनहगार बताया है, तो जाहिर सी बात है प्रशंसक उसके नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ, अगर कोई गुनहगार भी है तो उसे कोई पसंद कर सकता है, उसकी प्रशंसा कर सकता है, वो प्रशंसक ही हुआ ना। तो बहुत सारे लोग चाहते हैं कि इस पूरे मामले की सीबीआई से जांच हो, और मैं बताती हूँ कि वो लोग क्या चाह रहे हैं। ये गुलजार खान हैं, उन्होंने ये कहा है कि पहली गलती में क्षमा नहीं तो हर धर्म और हर मजहब में पहली गलती को क्षमा किया जाता है, ये वो कहना चाह रहे हैं। इसलिए क्योंकि वो भारतवर्ष की बेटी है, उसके गुनाह को माफ किया जाना चाहिए। और विजय सिंह हैं, एक दिन पहले ही उन्होंने एक पुरानी वीडियो में कमेंट किया है कि प्यार में सबसे पहले लड़का ही प्यार करता है, इसलिए वह दोषी है, और सलीम को दोषी दे रहे हैं, दोष दे रहे हैं, जबकि सलीम ये कह चुका है कि मैं साथ के साथ क्लैरिफाई भी कर रही हूँ चीज़ें, ताकि जो व्यूअर्स हैं उन्हें ये पता चल जाए कि वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, केस कहाँ स्टैंड कर रहा है और फैक्ट क्या है। तो सलीम आजकल ये कह रहा है कि उसका डीएनए टेस्ट करवा लिया जाए। ये जो शबनम ने जिस बच्चे को जेल में जन्म दिया है वो बच्चा उसका नहीं है, वो उसका पिता नहीं है। अब उसने ये कहा है, लेकिन उसकी अभी तक फरमाइश पूरी नहीं की गई है। अच्छा लीजिए, सलीम के डीएनए पे ही किसी ने कुछ कहा है। एक मैंने वीडियो बनाई थी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट एपी सिंह साहब के साथ, तो उस पे ये कमेंट आया है कि मिस्टर सिंह प्लीज़ सलीम का डीएनए टेस्ट करवा दीजिए। लोग ये चाहते हैं कि सलीम का डीएनए टेस्ट हो, और ये कुछ तारीफ कर रहे हैं मेरी, जोगिंदर सिंह शर्मा, क्वाइट डिटेल एंड इन डेप्थ एनालिसिस। जब वकील साहब से बात होगी तो वो काफ़ी डेप्थ में जाके ही चीज़ों के बारे में बताते हैं। एंड अगेन मधु प्रसाद ये कह रहे हैं कि फांसी नहीं होनी चाहिए, सलीम और ताज का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, डीएनए टेस्ट से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि सीबीआई की इंक्वायरी भी होनी चाहिए
शबनम जेल के अंदर से सीबीआई की डिमांड कर रही है और कुछ लोग जो उससे जुड़ा महसूस करते हैं वो ये कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए। एक और कमेंट है, इसमें उन्होंने कहा है कि सारी वारदात की जड़ प्रॉपर्टी है। ये बहुत बार कमेंट आता है कि ये जितना भी कांड हुआ है ये प्रॉपर्टी के लिए हुआ है और ये मिस्टर खान कह रहे हैं कि सारी वारदात की जड़ प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी के कारण ही सारा काम हुआ है। मास्टर शौकत अली के प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद चल रहा था, ये शायद उसी गांव से है इसलिए मालूम है, उनकी प्रॉपर्टी को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा था इसलिए पुलिस ने उसे उठाया भी था। ये बात मेरे नोटिस में भी है कि एक शुरुआत में जिस दिन इन्वेस्टिगेशन अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं तो दो लोगों को उठाया गया था, वो सलीम नहीं था, फिर बाद में उन्होंने सलीम का नाम लिया था, उन दो लोगों को उठाया था लेकिन बाद में उनको छोड़ दिया गया था। और सारा मामला ये बता रहे हैं कि प्रॉपर्टी को लेकर के है। अगर इस केस में अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की जाए तो सारी चीज़ें सामने आएंगी। एक मैंने और वीडियो बनाई थी अलविदा शबनम, उस पर एक कमेंट आया है, जरा सी भी इंसानियत जिस इंसान में होगी वो इंसान कभी ये बात नहीं कहेगा कि शबनम को फांसी हो, लेकिन किसी का कुछ पता नहीं चलता, कोई कुछ भी कह देता है। ये अपने हिसाब से इन्होंने कमेंट किया है। एक और है, उन्होंने ये कहा है कि डीएनए टेस्ट जो है सलीम का होना चाहिए ताकि ये पता चले कि शबनम ने जेल में किसके बच्चे को जन्म दिया है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जो शबनम है उसका सलीम से कोई चक्कर नहीं था, केवल पुलिस की मार ने इन दोनों को प्रेमी बना दिया और बहुत दिनों तक ये डर के जेल में कुछ बोले नहीं। अब जब उन्हें लगा कि मीडिया कुछ कुछ बात कर रहा है उनके फेवर में तो उन्होंने ये कहना शुरू किया है कि इस केस को रीओपन करना चाहिए, क्योंकि उनकी वकील साहिबा वो भी वहाँ गई थी, उन्होंने भी ये कहा था कि ये केस रीओपन होना चाहिए और उन्होंने बाकायदा एक एप्लीकेशन दी थी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बहन जी को कि इस केस को रीओपन किया जाना चाहिए। और इसके बाद राज्यपाल ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई क्योंकि ये एक महिला का मामला है, तो उन्होंने उस एप्लीकेशन को आगे कुछ आवश्यक निर्देश देते हुए इसे आगे फॉरवर्ड किया। कई और भी कमेंट्स हैं। शशि शर्मा ये कह रहे हैं कि देयर इज नो नीड टू गिव सच पीपल एनी स्पेशल ट्रीट, ग्रेट, इट विल एनकरेज पीपल टू डू सच क्राइम, प्रॉपर्टी मस्ट बी यूटिलाइज्ड बाय गवर्नमेंट। यानी कि अगर हम मैं नहीं अगर कानून कोई रियायत बरतता है शबनम के साथ तो ऐसे केसेस को बढ़ावा मिलेगा, ये बात भी कहीं ना कहीं ठीक है। अगर वो दोषी है और उसे कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए। प्रेम देव वर्मा ये कह रहे हैं कि बड़े अफसरों की बात है, सलीम और शबनम से कोई वकील या ज्यूरी क्यों नहीं मिले, क्या निचली अदालत से उच्चतम न्यायालय ने क्यों ध्यान नहीं दिया, क्यों नहीं उन दोनों ने अदालत को बताया कि हमको एडवोकेट चाहिए। ये शायद से हाँ ये बात सही है कि उनको कोई वकील मुहैया नहीं करवाया गया था, उनको केवल एडवोकेट क्या उसको बोलते हैं न्यायिक मित्र उनको मुहैया कराए गए थे। और वो नॉर्मली होता ही है कि जो न्याय मित्र होते हैं वो बहुत ज़्यादा पेन नहीं लेते हैं केसेस में, लेकिन ये केस बहुत इम्पोर्टेंट केस था, इसमें ज़रूरी था कि शबनम और सलीम को वकील मुहैया कराया जाता।
और चूंकि शबनम के परिवार के सब लोग चले गए हैं, उसके पास कोई भी अपना नहीं था, एक छोटा बेटा है, वो तो क्या ही वकील मुहैया करवाता, तो ये सरकार को चाहिए था कि उसे उसकी बात कहने के लिए उसे एक वकील मुहैया कराया जाता। एक्चुअली ये प्रशासनिक स्तर पे इस पे निर्णय लिया जाता है कि अगर कोई वकील नहीं इनको मिल रहा तो इनको वकील मुहैया कराया जाए। एक और कमेंट है, पुलिस जब पैसे ये कमेंट थोड़ा सा ये है, पुलिस जब पैसे खा लेती है तो वो सुनवाई नहीं करती है, पुलिस तो ये सब कांड करवाती है, अगर पुलिस सही वक्त पर सुनवाई करे, अरे पुलिस सुनवाई नहीं करती भाई, सुनवाई तो कोर्ट में होती है। एनी हाउ मैं इनका कमेंट पढ़ती हूँ। फिर ये वारदात होती है, ये कहना चाह रहे हैं कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं की, सुनवाई तो कोर्ट में होती है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं की है, और सही से इन्वेस्टिगेशन बहुत लंबा कमेंट इन्होंने किया है, और आखिर की 2 लाइनें मैं पढ़ दूँ आपके सामने। हमारी अपील है गवर्नमेंट से, हमारी बात पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि हम जो कहते कह रहे हैं वही हकीकत है, क्योंकि हम उसके घर के बहुत पास में रहते हैं, हमने सब कुछ देखा है। ओह, तो इनकी बात पे गौर करना चाहिए, और मैं इनके लिए बता दूं कि ये पुलिस पे आरोप लगा रहे हैं, पुलिस सुनवाई नहीं करती, आप भी जानते हैं, तो इनको मैं क्लियर कर दूं कि सुनवाई तो कोर्ट में ही होती है, पुलिस केवल इन्वेस्टिगेशन करती है, सबूत देती है कोर्ट के लिए। जसवीर महाजन कह रहे हैं कि आई अप्रिशिएट, ओ मेरी तारीफ हो रही है। ये शबनम को लेके कमेंट नहीं है। ये कह रहे हैं, अगला कमेंट पढ़ती हूँ, कि बहुत खुशी होगी मुझे अगर शबनम अपनी माँ के साथ रह सके, बेटा तो माँ के पास नहीं जा सकता, और माँ बेटे के पास एक ही सूरत में आ सकती है, अगर अगर वो जेल से बाहर आए तो। एक और कमेंट है सविता गोयल का, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सही है बट बिना शादी के कोई मानता तो नहीं, क्या कहना चाह रहे हैं ये? मुझे भी थोड़ा स्टडी कर लेना चाहिए ना कमेंट्स को, कि मैं आपके सामने क्या बताऊं, लेकिन अभी मैं ऐसे ही रैंडमली सारे कमेंट्स देख रही हूँ। ये कोई अपना चैनल चलाते हैं शायद से, टेक्निकल वर्ड है इनके, जो नाम की जगह आता है वो टेक्निकल वर्ड है, और ये कह रहे हैं कि शबनम को माफ कर दीजिए। स्वरण सिंह कह रहे हैं शबनम को फांसी नहीं होनी चाहिए, और जो मर्डर के चार्जेस, जितने मर्डर के चार्जेस इस पे लगाए गए हैं वो अकेली महिला नहीं कर सकती, भारत की महिला इतनी पावरफुल नहीं है कि वो इतने मर्डर कर दे। तो स्वर्ण सिंह जी, आपको मैं बताना चाहती हूँ कि हमने तो देखा नहीं है, और किसी भी महिला को आप अंडर एस्टिमेट ना करें, वो क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती, लेकिन हाँ आपको शबनम से हमदर्दी है, ये बात मैं समझती हूँ। एक और कमेंट है, जो दोषी है उसे सजा होनी चाहिए, निर्दोष को नहीं, तो ये तो हमारा न्यायपालिका भी ये कहती है कि भले ही कोई दोषी छूट जाए लेकिन किसी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। मधु प्रसाद जी का फिर से कमेंट है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, सलीम का डीएनए टेस्ट होना चाहिए। तो कुल मिला के बात ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो शबनम को प्यार करते हैं, चाहते हैं कि वो अपने बेटे के साथ रहे और सलीम का डीएनए टेस्ट हो। अब बहुत सारे लोग चाहते हैं कि केस रिओ ओपन हो, और ताकि जो दूध का दूध है वो पानी का पानी हो। तो हम आप तो
बात कर रही हूँ मैं अपने व्यूअर्स के साथ, जो डिसीजन लेना है वो तो न्यायपालिका लेगी। हाँ, ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि शबनम की जो वकील है वो बराबर इस प्रयास में लगी हुई है कि वो केस रीओपन करवा सके, लेकिन इसके लिए उन्हें चाहिए कि कोई ऐसा व्यक्ति उन्हें मिले जो शबनम की तरफ से शबनम के साथ स्टैंड करे, और वो शबनम की तरफ से भी कहे कि वो केस रीओपन करना चाहते हैं। यानी कि एक फॉर्मेलिटी होती है जो वकील साहिबा चाह रही हैं, वो फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए। मैं वकील साहिबा का नाम भी आपको बताती हूँ, वो प्रयागराज से हैं और उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट में एडवोकेट हैं, सहर नकवी, उनसे कांटेक्ट करें वो, और जो भी शबनम के रिलेटिव्स हैं उनसे कांटेक्ट करें, और जो फॉर्मेलिटी वो चाह रही हैं वो फॉर्मेलिटी अगर पूरी हो जाए, किसी भी सूरत में अगर वो फॉर्मेलिटी औपचारिकता जो है पूरी हो जाती है, तो केस शबनम का रीओपन हो सकता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ आपसे कोई और नया अपडेट दे करके। फिलहाल इतना ही, क्योंकि शबनम भी चाह रही है कि इस मामले की सीआईडी की सीबीआई की जांच हो और केस रीओपन हो और वो मीडिया के सामने आके अपनी बात कह सके। दोस्तों, एक मैं बात कहना चाह रही हूँ आपसे कि जिस समय ये घटना हुई थी उस दौरान मेरे एक जर्नलिस्ट दोस्त ने मुझे बताया था, मैंने उनका इंटरव्यू भी अपने यहाँ डाला हुआ है, उनसे बात की थी मैंने, उन्होंने ये कहा था कि मीडिया के सामने पुलिस तीसरे दिन ही उन्होंने शबनम को मीडिया से रूबरू करवाया था। तो दोस्तों, सवाल ये है कि जब अभी केस को 3 ही दिन हुए हैं और आपने केस को खोल दिया, और पता नहीं किस तरीके से आपने उन लोगों को तैयार किया होगा, और वही बात फिर उन्हें मीडिया के सामने कहनी थी। अब शबनम चाहती है, अब शबनम पिछले 15 साल से जेल में है, अब वो शायद से उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है, वो कुछ बताना चाहती है मीडिया को, तो अगर कानून इजाज़त दे तो हो सकता है वो मीडिया के सामने कुछ बात करे। और दो बातें तो उसकी हैं ही कि केस रीओपन हो और केस सीबीआई को दिया जाए। अब जो जेल प्रशासन है उसकी भी भूमिका मैं आपको बता दूं कि जेल प्रशासन भी जो है एडवोकेट्स को, जो उसे जुड़े हुए वकील हैं, उनको शबनम से नहीं मिलने दे रहे हैं, और जो शबनम का बेटा है वो भी बामुश्किल अपनी माँ से मिल पा रहा है। अगर वो 20 बार एप्लीकेशन लगाता है तो उसे एक बार मिलने दिया जाता है। अब आप ये समझ लीजिए कि शबनम को क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा अपने बेटे से। पिछले 1 साल से वो बच्चा अपने केयर टेकर के साथ बराबर एप्लीकेशन उसके केयर टेकर जो माता पिता हैं लगा रहे हैं। अब जाके उसकी मुलाकात हुई है और वो मुलाकात भी बड़ी छोटी सी होती है। वो अपने बेटे के मार्फत यही कहती है कि पूरे केस को रीओपन करवाया जाए तो चीज़ें और साफ होंगी। और जो लोग ये कह रहे हैं कि पूरा जो खेल है ये प्रॉपर्टी के लिए है, तो जो उसके घर मोहल्ले के आसपास के रहने वाले लोग हैं वो जो कह रहे हैं कि वो जानते हैं कि शबनम ऐसा नहीं कर सकती और पूरा खेल जो है प्रॉपर्टी को लेकर के है, तो ये सब चीज़ें तभी खुल सकती हैं ना अगर केस रीओपन हो। शबनम पे बातें ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन मैं आज का शो यहीं ख़त्म कर रही हूँ। आपसे फिर मिलूंगी अगली बार, तब तक आप अपना और अपना लोगों का ख्याल रखिए। गर्मी बहुत है, आपके घरों के आसपास जो भी पक्षी हों उनको आप पानी पिलाइए, अपना भी ख्याल रखिए गर्मी से। जय हिंद, जय भारत।